गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। टुडे वी डू द बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 7, रूट्स ऑफ द प्लांट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द डैश। एयर, वाटर और सॉइल। करेक्ट आंसर इज सॉइल। पीपल इन स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ईट रूट्स ऑफ डैश प्लांट। Tapioca, banyan and cabbage. The correct one is tapioca. Plant growing in the forest get water from the dash, rains, drains या spring. Correct answer is rain. Cutting of trees and hunting for animal is dash in forest not allowed? Allowed या sometimes allowed? करेक्ट आंसर इज नॉट अलाउड। पेड़ों की कटाई और जानवरों का शिकार अलाउ नहीं है जंगलों में, है ना? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टू रूट्स दैट स्टोर फूड। कैरेट, रेडिश। टू रूट्स दैट ग्रो इंटू न्यू प्लांट। डेलिया, स्वीट पोटेटो। अ प्लांट हैविंग एराइल रूट्स, आंसर इज बेनियान। टू थिंग्स ऑप्टेन फ्रॉम द जंगल, नंबर वन कटिंग ऑफ ट्री, नंबर टू हंटिंग ऑफ एनिमल। ओके, नाउ वी डू द क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू प्लांट स्टैंड फर्मली इन द ग्राउंड? What it means? Plant जो है, plant firmly, strongly ground में कैसे खड़े रहते हैं? Answer: roots of plants, roots of trees go deep into the soil and are firmly bound to it. What it means? पेड़ों की जो जड़ें रहती हैं वो अंदर मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और पेड़ों को फर्मली स्ट्रांगली अपने साथ बांध के रखती हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू। हाउ कैन वी प्रूव दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट? व्हाट इट मींस कि हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि जो रूट्स है, मींस जड़ें जो हैं, वो प्लांट के लिए अपने जो वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करती, मींस अवशोषित करती हैं। When we pull out a plant forcefully from the soil, most of its roots get damaged. जब हम प्लांट को बहुत फोर्सली मिट्टी में से खींच के बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? इसकी बहुत सारी जो रूट्स रहती हैं, जड़ें रहती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। When we plant it in a different place and water it, the plant wilts and die. तो क्या होता है? और जब हम प्लांट को दूसरे जगह पर लगाते हैं और उसे पानी देते हैं तो क्या होता है? पेड़ मुरझा जाता है और मर भी जाता है। This is because there is not enough roots to absorb water for the plant. यह ऐसा होता इसलिए होता है क्योंकि पेड़ के पास इनफ सफिशियंट रूट्स नहीं होती जो कि पेड़ के लिए पानी को एब्जॉर्ब कर सके। दिस प्रूव दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट। यह प्रूव करती है कि जो रूट्स रहती हैं पौधों के लिए पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। नेम टू प्लांट दैट हैव एडिबल रूट्स। दो प्लांट्स के नेम बताओ जिनकी जो रूट्स हैं वो एडिबल रहती, मींस खाने योग्य रहती हैं। आंसर: कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, टैपियोका। ऑल दीज रूट्स आर एडिबल। ओके, आंसर नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर। विच ट्री हैज एरियल रूट्स? How do they grow into new plant? And our answer is the banyan tree has aerial roots. Banyan trees की जो है aerial roots होती, means हवा में, हवाई
जड़ें होती हैं, हवा में झूलती हैं उसकी जड़ें। व्हेन दीज रूट टच द ग्राउंड दे ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट। जब उसकी जो जड़ें हैं वो टच कर लेती हैं ग्राउंड को, तो क्या होता है, वो एक न्यू प्लांट को ग्रो के रूप में ग्रो करने लगती है। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन योर ईवीएस नोटबुक इन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।